رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد هو على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ رہنما اور وہ رہبر عنایت فرمائے کہ جو کائنات کے ہر رجس سے ہر اعتبار سے پاک ہیں اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کر ہمارے لیے ہمارے ہی درمیان ہماری ہی سی زندگی گزارنے کے لیے ایسے انہیں بھیجا کہ ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن گئی اور عزیزان محترم یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو شے اس کائنات کی ان سے نسبت پاتی گئی وہ شرف یاب ہوتی گئی جس شے نے ان سے اپنا رشتہ جوڑا وہ مقبول ہو گئی
और जिन्होंने अपना रिश्ता इनसे तोड़ा वो मरदूद हो गई। और यही तो बात है ना कि एक जुमला आपकी खिदमत में पिछले दिनों अर्ज करने की सादत को हासिल किया था कि परवरदिगार आलम ने इस कायनात में एक अली पैदा किया है और वो एक अली हमारे और आपके हिस्से में आया है। एक अली खल्क किया खुदा ने और वो हमारे और आपके हिस्से में आया। कितना शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार आलम का इस एक ऐसी अनमोल नेमत पर कि जो सिवाय हमारे और किसी के पास नहीं। लेकिन अजीजों ये बात भी याद रखिएगा कि हमारा अली पर कोई कॉपीराइट भी नहीं है। परवरदिगार आलम ने अली को इस कायनात की इस जग की हिदायत के लिए रहनुमाई के लिए भेजा। यही तो हमने कहा कि जो जो इनसे अपना रिश्ता जोड़ ले जो जो जोड़ ले अब इसमें दीन मजहब मिल्लत रंग नस्ल की कोई कैद नहीं है, कोई कैद नहीं। और अजीजों यही वो फर्श अदा है कि जिसे जब अहले बैत से निस्बत हो जाती है तो फिर फरिश्ते आसमानों को छोड़ छोड़ कर जमीन पर नाजिल होने और इस टुकड़े जमीन पर आने की ख्वाहिश का इजहार करने लगते। वो कहते हैं कि हमें आसमान से नहीं कोई लगाव है, हमें जाने दो नीचे। परवरदिगार आलम से इज्न पाते हैं कि ऐ खुदा हमें इजाजत इनायत फरमा, हमें इज़्ज़त इनायत फरमा कि तेरे हबीब के बच्चों का जिक्र हो रहा है, हमें उस जिक्र की महफिल में शामिल होना है। और अजीजों ये तो आलम है उन फरिश्तों का, मगर इंसानों का आलम सुनिए कि जो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम कि जब एक मोमिन को जन्नत का परवाना मिल जाएगा और वो जन्नत की जानिब जा रहा होगा तो रास्ते में एक ऐसा मौका आएगा कि जहां पर वो रुक जाएगा। जन्नत की ख्वाहिश सारी दुनिया को है, हर इंसान जन्नत में जाने का शौक रखता है, हर मुसलमान हर मोमिन चाहता है कि वो जन्नत के जिसे परवरदिगार आलम ने उसके लिए मुहैया किया है वो उस जन्नत में सुकूनत इख्तियार कर ले। लेकिन जब उसे जन्नत में जाने का परवाना मिल जाता है, अब सोचिए उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, सारी जिंदगी की मेहनत, कि जब उसे जन्नत का परवाना मिल गया तो जब जन्नत का परवाना हाथों में लिए जन्नत की जानिब जा रहा होगा और एक जानिब उसे एक ऐसी जगह नजर आएगी वहां जाकर बैठ जाएगा, जन्नत उसे आवाज देती रहेगी मुझे खुदा ने तेरे लिए मुहैया किया, तेरे लिए सजाया। जन्नत आवाज देगी कि मेरी जानिब आ जा, मुझ में समा जा, और वो कहेगा मैं यहां जिक्र अहले बैत की महफिल में बैठा हूं, यहां पर इस महफिल में बैठने की लज्जत जन्नत की लज्जत से कहीं ज्यादा महसूस करता हूं। यह परवरदिगार आलम का शुक्र। और खुद ये फकत और फकत फर्श अदा की ही बात नहीं है बल्कि जमीन कर्बोबला की बात है। जमीन कर्बला वो जमीन का टुकड़ा है कि जो पिछले दिनों ये बात जिक्र हुई थी कि परवरदिगार आलम ने आसमान जन्नतुल फिरदौस के कुछ टुकड़ों को जमीन पर नाजिल करके उन्हें जमीन का हिस्सा बनाया। मकाम इब्राहिम का पत्थर, हजर अस्वद का पत्थर, ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जन्नतुल फिरदौस के कि जो परवरदिगार आलम ने जन्नत से नाजिल करके जमीन का हिस्सा बनाए और जमीन पर रख दिया गया। मगर कोई ऐसा टुकड़ा है जमीन का कि जिसे उठाकर जन्नतुल फिरदौस की जीनत बनाया जाएगा? यह जमीन का टुकड़ा और कोई नहीं हुसैन की सल्तनत उज़्मा करबला मुअल्ला का टुकड़ा। और जब यह करबला का टुकड़ा जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन मनाजिल में शामिल हो जाएगा, जन्नतें बहुत हैं मगर जन्नतुल फिरदौस तमाम जन्नतों की, जन्नत की कैटेगरीज हैं, जन्नत के तबकात हैं, जन्नत के फ्लोर्स हैं, उन जन्नत में सबसे आला तबके की जन्नत जन्नतुल फिरदौस उसका नाम। और जन्नत की बड़ी खुशबुएं हैं, बेहतरीन खुशबू का नाम मुश्को अंबर है जिसके हवाले से जिक्र आपने पिछले दिनों सुन लिया, तकरार नहीं करूंगा। लेकिन जन्नतुल फिरदौस में जिस जमीन के टुकड़े को उस जन्नतुल फिरदौस की जीनत बनाकर भेजा जाए वो करबला का टुकड़ा है। और यहां पर हर कसो नाकस को आने जाने की इजाजत ना होगी,
हर आने जाने वाला, हर शख्स आदि यहां जा ना सकेगा सिवाय अंबियाओ, औसियाओ, सुलहाओ, आइम्मा, शोहदा, सिद्दीकीन। अंबियाए मुरसलीन के आने जाने और कयाम करने की जगह होगी। यही तो वजह है कि इंसान को बार बार इस बात की जानिब बावर कराया गया, इस दर की जानिब खेच खेच कर लाया गया कि आ जाओ, मुसलमान तो सब होते हैं, जब दरे अहले बैत पर आते हैं तो सलमान बनते हैं। तो मुसलमान से लेकर सलमान तक का सफर, किन्हें परवरदिगार आलम ने भेजा। बात का आगाज यहां से हुआ कि ऐसे हादी बरहक अता किए, ऐसे रहबर अता किए कि उसके बाद कोई हाजत न रही। ऐसे नमूना है अमल परवरदिगार आलम ने, कामिल तरीन इंसान मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेहदी आखिरुस ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। और यकीनन मौलाए कायनात के साथ साथ मौलाए कायनात से पहले खदमी मर्तबत कि जहां पर नबूवत के सिलसिले का इख्तिताम और मौलाए कायनात के जहां से इमामत के सिलसिले का आगाज। मगर अजीजो, अगर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम भी है ना, तो ये उन बारह में आते हैं कि जिन बारह के बारे में खुद मेरे रसूल ने ये इरशाद फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। अगर अली को करीब से देखो तो वो भी मोहम्मद नजर आएगा। हसन में भी मोहम्मद की झलक है, हुसैन में भी मोहम्मद की झलक है, हर हर इमाम में मोहम्मद की झलक है, चाहे पहला हो या ग्यारहवां हो, चाहे हसन अस्करी हो, उसमें भी मोहम्मद मुस्तफा की झलक को देखने की कोशिश करो। और जमाने के इमाम, हमारे और आपके जमाने के इमाम साहिबुल अम्र वल असर व जमान का इस्म गिरामी भी खत्मी मर्तबत के नाम नामी पर है, और आप के चेहरे मुबारक के शमाइल भी हू बहू रसूल अकरम के चेहरे मुबारक के शबी हैं, मुशाबे हैं। लेकिन अजीजान मोहतरम, आज जिस हस्ती का जिक्र है, यानी आज अपनी इस महफिल को जिस हस्ती के जिक्र से हमने मुनव्वर करना है, वो रसूल अकरम के आल में से जो सिलसिला इमामत की ग्यारहवीं कड़ी है, हमारे और आपके जमाने के इमाम के वालिद गिरामी मौला आका हसन इबन अली इबन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। कि मौला सन 232 हिजरी में आपकी विलादत बासादत, और आपकी विलादत के बाद जो सिलसिला विलादत से पहले चल रहा था वो क्या था। छठे इमाम अलैहिस्सलाम के बाद मुसलसल कैदोबंद की सहूबतें, कैदोबंद की सहूबतें सातवें इमाम ने ऐसे झेली हैं कि बाज़ रिवायतों में 14 साल है, बाज़ रिवायतों में 9 साल है, और उन 14 और उन 9 सालों के फर्क को इस अंदाज से भी बयान किया जाता है कि 9 साल दर हकीकत मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो कैद है वो 14 साल की कैद है, जो जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मौला ने काटी है। 5 साल, 14 में से 5 साल वो हैं कि जो आपकी हयात तैयबा के आखिरी साल हैं, और उनमें आपने मुसलसल कंटिन्यूस कैद को काटा। सिंधी बिन शाही का जहां नाम मिलता, लेकिन ये 9 साल अदवार थे। कभी मौला को कैद किया जाता था, कभी मौला को रिहा किया जाता था, कभी मौला को मदीना से बुला लिया जाता था, कभी वापस भेज दिया जाता था, कभी घर में नजरबंद कर लिया जाता था, तो कभी और अंदाज से मौला को असीयत पहुंचाई जाती थी। क्या वजह थी कि कैदोबंद की सहूबतों का इस अंदाज से आगाज हो गया सातवें इमाम के बाद फौरन, और यह सिलसिला ना रुका। आठवें इमाम को भी आपके अहलो अयाल से दूर किया गया, आपको तूस आकर रहना पड़ा, और सिलसिला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, के बल्कि दसवें इमाम अलैहिस्सलाम को तो मदीना मुनव्वरा से बुलाकर सामर्रा के अंदर रोका गया।
और जिस अंदाज से मौला को बुलाया गया, जिस अंदाज से बेदाद रवा रखी गई, इमाम को खत लिखकर बुलाया उस जमाने के बादशाह ने, जालिम ने, और खत में बड़े खुशामदी के अल्फाज थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप आ जाएं और यहां पर आपके चेहरे मुनव्वर का हमें दीदार हो, आप हमारे मेहमान बने, हम आपकी खिदमत का शरफ हासिल करें, वगैरह वगैरह। मगर जब दसवें इमाम तशरीफ ले आए मदीना से सामर्रा, तो कोई नहीं था कि जो इवन इमाम को रिसीव करने के लिए भी चला जाए। और भेजा उस वक्त के जालिम ने एक अपने अदना तरीन गुलाम को, जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को गुलामों के दरमियान, जहां पर गुलामों के रहने की जगह थी, इंतहाई कस्मोपुरसी का आलम, वहां पर मौला को रिहाइश की जगह बताई। जब मौला ने खत पढ़ा था, तभी अपने सहाबी की जानिब मुस्कुरा कर देख रहे थे कि यह खत तो देखो कि इसमें क्या लिखा है, और मैं जानता हूं कि होने क्या वाला है जब मैं पहुंच जाऊंगा वहां सामर्रा। लेकिन अजीजा ने मोहतरम बात को आगे बढ़ाए अली कसम और ग्यारहवें इमाम तक आए। क्या वजह है कि इतनी ज्यादा कैदो बंद की सहूबतों को बर्दाश्त करवाया गया या आइम्मा को कैद में रखा गया? कुरान करीम की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयुरीदूना अयुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। कि इनका इरादा है, तर्जुमा आप सुन लीजिएगा अभी इंशाअल्लाह कुछ लम्हों के बाद, वजह पहले समाज फरमा ली, इरादा यह था कि आइम्माए ताहिरीन को कैद में बंद करने के जरिए से अपने अहलो अयाल से दूर किया जाए, उन्हें अपनी फैमिली लाइफ से दूर कर दिया जाए। क्यों? नतीजतन नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मौला की नस्ल मुबारक आगे न बढ़ सके। नतीजतन क्या हो, जान चुके थे कि यही वो खानवादा है, यही वो लाइनेज है कि जिसके अंदर उसने आना है कि जो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देगा जैसे वो जुल्म जोर से भरी हुई होगी। और जालिम हमेशा याद रखिएगा, अदल और इंसाफ से बहुत घबराता है, जैसे चोर रोशनी से घबराता है, वैसे जालिम अदल व इंसाफ से घबराता है। क्यों? क्योंकि उसका इख्तदार और उसकी हुकूमत, जो भी कह लीजिए, वो दरअसल जुल्म पर टिकी हुई होती है। अगर जुल्म का खात्मा करने वाला आया, इवेंचुअली उसके इख्तदार का खात्मा करने वाला आ गया। लेकिन परवरदिगार आलम कुरान करीम की इस आयत में क्या इरशाद फरमा रहा है? परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है कि उनका यह इरादा है कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। ओके, तो आपके पास है क्या बुझाने के लिए अल्लाह के नूर को? तो जवाब आएगा, बे अफवाहिम, अपनी फूकों के जरिए से अल्लाह के नूर को बुझाने चले हैं। कमाल हो गया, घर में जलाया हुआ एक दिया तो अपनी फूंक से एक बार में बुझा नहीं सकते, अल्लाह के नूर को बुझाने चले हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, परवरदिगार तो अपने नूर को मंजिले इतमाम तक पहुंचा कर रहेगा। वलौ करे अल मुशरिकून, और ये तो जानते ही हैं सबके, जालिमीन को और मुशरिकों को पर पसंद नहीं आएगा। तो ये एक बात कि इतना ज्यादा कैद और बंद में रखा गया, लेकिन फिर भी दसवें इमाम अलैहिस्सलाम की भी विलादत हुई, और दसवें इमाम के बाद ग्यारहवें इमाम अलैहिस्सलाम की भी विलादत बासआदत हुई। और इमाम की विलादत के बाद इमाम की वालिदा का नाम गिरामी इसमें मुबारक, जनाब सलीला सलामुल्लाह अलैहा, सलीला। और ज्यादा हमारे दरमियान जो नाम बीबी का मशहूर है वो है जनाब सौसन खातून सलामुल्लाह अलैहा। बीबी की अजमत पर एक बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आपके तीन भाई हैं और एक हमशीरा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आपसे बड़े आपके भाई मोहम्मद, खुद आप, आपके एक भाई जिनका नाम हुसैन, एक भाई जिनका नाम जाफर, और एक आपकी हमशीरा के जिनका नाम अलिया या आलिया मिलता है। सैयद मोहम्मद
वो हस्ती हैं कि जिनका जिक्र मिंबरों से बहुत कम किया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज से कि जिस तरह से इमाम हसन अस्करी अलैहि सलातो वस्सलाम का जिक्र कम किया जाता है। आइमाए तारीन अलैहि सलातो वस्सलाम की औलादों में से भी दो किस्में हैं। कुछ औलाद आइमा ऐसी हैं कि जो दीनदार हैं, दीन की तरफ हैं, और कुछ औलाद आइमा ऐसी भी हैं कि जो ज्यादा दीनदारी की जानिब नहीं है। और यह मिसाल हमें तारीख में भी मिली, सिर्फ सिलसिलाए आइमा ही में नहीं बल्कि सिलसिलाए अंबिया तक के अंदर हमें ये मिसालें मिल रही हैं। क्या मिसाल? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल, एंड सो ऑन। लेकिन एक मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई जनाब सैयद मोहम्मद के जो मदफून हैं काजमैन और शहर सामर्रा के दरमियान एक शहर के जिसका नाम है बलद। मगर अजीजो, मैं यहां पर अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मौला हसन के इस भाई, दसवें इमाम के इस फर्जंद और जमाने के इमाम के इस अम्म बुजुर्ग चचा जान का जिक्र करूं। क्यों? परवरदिगार आलम ने इनके रोजे को, इनकी कब्र को वो जगह करार दिया है कि जहां पर परवरदिगार आलम ने कहा है कि आओ इस हस्ती की ज्यारत करने के लिए, मेरे इस वली की ज्यारत के लिए आओ, जो तुम्हारी हाजत होगी झोलियां भर कर तुम्हें वापस लौटाऊंगा। ये दुआओं का कबूल होना उस जगह पर इस बात की दलालत है कि खुदा चाहता है कि चाहे अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए ही सही, मगर सैयद मोहम्मद के रोजे की जीनत इमाम के चाहने वाले बने। और वो हस्ती के जिसने अपनी सारी जिंदगी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात की नजर कर दी, जिनका कुरान करीम से लगाव। अभी मैं मौला हसन अस्करी की जानिब नहीं आया हूं, अभी मैं उनके बरादर बुजुर्ग की बात कर रहा हूं, सैयद मोहम्मद। और इस अंदाज का आपका तकवा, आपका जोहद, आपकी परहेजगारी के लोग आ आकर आपकी खिदमत में अपनी हाजत दुनिया में भी रखते थे जब आप हयात थे। जो आपने ज़ियारत नामा जनाब सैयद मोहम्मद का पढ़ा उसमें ये अल्फाज भी आप पढ़ेंगे कि आप वो हस्ती हैं कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने मुस्तजाब दावात बनाया है। कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं कि जो जुबान से कह दें, जो तकाजा खुदा से कर ले वो खुदा पूरा कर दे। या ये कह लीजिए कि ये ऐसी हस्तियां होती हैं कि जिन्हें बहुत खूब मालूम होता है खुदा से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना। और फिर ये इस मंजिल पर यूं ही नहीं पहुंचते हैं, सारी जिंदगी कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी कुर्बानियों को, अपनी जाती कुर्बानियों को, अपनी जाती ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं। और अहले बैत का चाहने वाला कोई आता है तो उसके लिए दस्त दुआ को बढ़ा देते हैं। ए सैयद मोहम्मद, सारी जिंदगी तुमने अपने लिए कुछ तलब ना किया, अब अगर कोई तुम्हारे नाम से हमारी बारगाह में आएगा, तुम्हें वसीला बनाकर आएगा, मैं वादा करता हूं कि उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। और आप वो करामात तो देखिए कि जो सैयद मोहम्मद के रोजे से आया होती हैं, वो करामात। अच्छा, शहर बलद को एक और नाम भी दिया जाता है, सबउद दुजैल कहा जाता है। दुजैल एक एरिया है, उस एरिया के अंदर ये बलद सिटी है। लेकिन सबउद दुजैल, लोग ये कहते हैं कि खुद इस बलद का एक दूसरा नाम भी दुजैल है। सबउद दुजैल, सीन बाएन, सब अरबी जबान में शेर को कहते हैं, शेर को कहते हैं, दुजैल का शेर। वो दौर के, जिस दौर के अंदर आपके रोजे मुबारक के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, तो लोग चोरों से और लूट मार मचाने वालों से घबराकर अपने आप को गैर महफूज समझने लगे थे। करामत यह थी कि लोगों ने वहां पर एक ऐसे शेर को आकर उन घरों के गिर्द के, जो रोजा जनाब सैयद मोहम्मद के गिर्द घर थे उस दौर में, पहरा देते हुए देखा रात के वक्त और ऐन सुबह के वक्त, कि जब भी कोई अजनबी आया करता था तो उसके लिए हैबत का सामान करार पाता था। कोई आपके रोजे से कोई शय बगैर इजाजत उठा कर ले जा नहीं सकता। यहां आपके रोजे से जो आपसे आपका तवस्सुल इख्तियार करे, आपको वसीला करार दे, औलादों के एतबार से जो अफराद मोमिनीन और मोमिनात औलाद के मुतमन्नी है, परवरदिगार आलम उन्हें साहिब औलाद करता है।
जो मोमिनीन और मोमिनात अपनी बच्चियों के लिए रिश्तों की तलाश में है, परवरदिगार आलम इस इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के नेक फर्जंद जनाब सैयद मोहम्मद के सदके में उनकी बच्चियों के लिए उनके लिए बेहतरीन रिश्तों को फराहम करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जहां से दुनियावी हाजतें मिले वहां से उखरवी हाजतें ना मिले। उलमा के वाकयात भरे पड़े हैं कि जिन्होंने यहां पर आकर नजर की, कुछ ने आकर अपनी जबान को रखा, किसी ने आकर अपनी पेशानी को रखा सजदे के लिए नहीं, पेशानी को मस करने के लिए कि बरकतों को हासिल करें, ताकि वो बरकतें दिमाग तक पहुंचे, ताकि इल्म का नूर इस दिमाग में और इस दिल में समा सके। सजदा तो सिवाय खुदा के और किसी को है नहीं। लेकिन अजीजान मोहतरम, बात को अगर मजीद आगे बढ़ाएं तो एक बात यहां पर इस अंदाज से खुलकर सामने आती है तारीख के वाकयात की रोशनी में कि जनाब सैयद मोहम्मद की शहादत या वफात उस वक्त के जब मौला इमाम हसन अस्करी 20 साल के हैं और खुद जनाब सैयद मोहम्मद 23 साल के हैं वाकई हो गई। कब के जब आप हज के सफर के लिए शहर सामर्रा से मक्का मुकर्रमा की जानिब आजम सफर थे, तो जब आप इस बलद के मकाम पर पहुंचे, बीमार हुए, मरीज हुए और उसके बाद दोबारा सेहतियाब ना हो सके और इस दुनिया से रहलत फरमाई। कुछ मुअर्रखीन ने लिखा कि आपके उलूवे मकानी यानी आपके इस अजीमुल मर्तबत होने को, आपके इल्म को, आपके जोहद, आपके तखबा को देखकर लोग ये गुमान करने लगे थे कि शायद मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के यही फर्जंद होंगे कि जिनको इमामत का मनसब मुंतकिल होगा। और एक मेंटेलिटी इस अंदाज की भी यकीनन रही होगी उस दौर में कि जो लोग ये समझा करते हैं कि बड़ा बेटा वारिस बना करता है इमामत का, तो परवरदिगार आलम की जानिब से यह इंतजाम के लोगों को एक पैगाम यह भी पहुंच रहा है कि याद रखो इंसान के बनाए हुए मैयार का नाम मंजिल इमामत नहीं है, परवरदिगार आलम की अता करदा शय का नाम इमामत है। इंसान तो नहीं, परवरदिगार इमाम बनाया करता है और इमाम बनाकर भेजा करता है, यह परवरदिगार आलम का करम है। अगर से आपका इल्म, आपका जोद, आपका तकवा इतना ज्यादा था, उसके बावजूद भी मनसबे इमामत पर नहीं, तो अगर इस रिवायत को माना जाए कि आपको जहर देकर शहीद किया गया इस गुमान में कि जो जानशीन है इमाम नकी है उसे पहले ही नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जहर दे दो, तो अगर मनसब इमामत पर नहीं भी तो मुहाफिज इमामत की मंजिल पर तो फाइज हुए। इमाम हसन अस्करी की ऐसे ढाल बन गए जनाब सैयद मोहम्मद कि जब लोगों ने आकर देखा कि खुद जनाजा इमाम जनाजा जनाब सैयद मोहम्मद में मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का यह आलम है के चेहरे को पीटते हैं और अपने कुर्ते के गिरेबान को चाक कर लिया। लोगों ने आकर सवाल किया कि ये जवान कौन है और इस जवान का क्या ताल्लुक और क्या रिश्ता है सैयद मोहम्मद से। इसके माना ये हुए कि शहादत जनाब सैयद मोहम्मद से ज्यादा लोगों से पहले ज्यादा लोगों ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को देखा भी ना था, यानी ये परवरदिगार आलम की जानिब से इंतजाम था कि उन्हें छुपा कर रखा गया था। और खुद इस अंदाज से देख लीजिए कि किसी ने उस वक्त भी आकर कहा कि आप इमाम के बेटे हैं, आप ये करते हैं, अजीब लगता है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि अपने गिरेबान को चाक करते हैं, अपने कुर्ते के दामन को इस अंदाज से चाक करते हैं, गिरेबान को चाक करते हैं गम की शिद्दत में। इमाम अलैहिस्सलाम ने नम आंखों के साथ उस सवाल करने वाले, इतराज करने वाले को जवाब दिया कि जो काम मूसा ने, नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून के इंतकाल पर किया था वही काम मैं कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। खुद अलादारी के ऊपर होने वाले एतराजात का जवाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस अंदाज से दे रहे हैं कि अब ये अगर एतराज आ गया है तो एक लम्हे के लिए मैं
अपने भाई का गम भी भुला दूंगा और इस एतराज का जवाब देना जरूरी समझूंगा। मगर अजीजाने मोहतरम, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, सिलसिला आगे बढ़ा, इमाम जनाब सैयद मोहम्मद के बारे में आपने सुना, दुआओं की कबूलियत, उनके रोजे पर जाना, उनके गुंबद के नीचे। एक जुमला सुन लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। ये जो औलियाए किराम हैं, जिनकी ज्यारत के लिए जाते हैं, जिनका ताल्लुक औलाद आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में से है, जो इमाम ज़ादगान हैं, ये औलियाए खुदा हैं, और इनके यहां पर जाना, इनकी ज्यारत करना परवरदिगार आलम से कुर्ब का बाइस बनता है। ये पैगाम खुद उस ज्यारत नामे के अंदर मौजूद है कि जो ज्यारत नामा जनाब सैयद मोहम्मद है। बहरहाल बात को आगे बढ़ाया जाए, इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अल अस्करी आपका लकब क्यों? जिस अंदाज से आपको सामर्रा बुलाया गया, दरअसल अस्करी क्या है? अस्कर से निकला है अस्करी, या मुअस्कर से निकला है अस्करी, यानी अस्कर के रहने वाले, या मुअस्कर के रहने वाले अस्करी, ठीक है ना अजीजों? या है निस्बती है, क्या है अस्कर और क्या है मुअस्कर। अस्कर फौजी छावनी को कहा जाता है। तारीख इस्लाम के अंदर हमें यह नजर आ रहा है, नजर आता है कि सामर्रा शहर तूले तारीख के अंदर फौजी छावनी रहा, जिसे मुअस्कर कहा जाता है। सामर्रा था फौजी छावनी, लेकिन मुतवक्किल ने उसे तब्दील किया, उसके स्टेटस को चेंज किया और उसे शहर का रुतबा अता किया, उसे शहर बनाया। और सिर्फ ऐसे ही शहर नहीं बनाया, बाकायदा उसकी सजावट का इंतजाम भी खूब किया। लेकिन शहर सामर्रा के जो फौजी छावनी था, इसके अलावा शहर कूफा भी फौजी छावनी हुआ करता था, रसूल की रहलत के तकरीबन 20 साल के बाद इस फौजी छावनी वाले शहर कूफा को भी शहर का दर्जा दे दिया गया। लेकिन उस वक्त के बादशाह का शहर सामर्रा को सजाना यह और बात है, खुद शहर सामर्रा की वो ब्यूटी के जो रिवायतों में और जो हिस्ट्री में और तारीख में मिलती है, वो खुद इतनी ज्यादा है कि जिसके बारे में खुद इसका नाम बयान कर देता है सब कुछ, क्या सामर्रा। तो अब मुखफ्फफ हो गया क्योंकि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। दरअसल सुर्रा मन रहा है इसका नाम, सुर्रा यानी मसरूर हुआ, मन रहा यानी जिसने देखा, जिसने इसे देखा वो मसरूर हुआ, खुश हुआ। खुद दरियाए दिजला का वहां से गुजरना, वहां की हरियाली, ये और बात है कि आज वो वाली बात न रही कि जिस शहर में अहले बैत का घर उजड़ जाए और वो शहर भी साथ साथ उस गम में उजड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो रौनकें और वो खूबसूरती तो शहर की नहीं है कि आप ये कह सकें कि आज भी सुर्रा मन रहा का मिसदाक है सामर्रा, नहीं। लेकिन अजीजाने मोहतरम, सामर्रा शहर मुअस्कर था, उसे शहर बनाया गया और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए। और हर मकाम पर, चाहे करबला में देखिए, नजफ में देखिए, काजमैन में, काजमैन शरीफैन में देखिए, सिवाय मदीना के, नजफ अशरफ के अंदर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की कब्र है। आपका घर कहां? या मदीना में या कूफा में, मस्जिद कूफा के साथ बैतुशरफ। काजमैन शरीफैन में सातवें इमाम हो या नवे इमाम हो अलैहिस्सलाम, आपका घर मदीना में है, आपकी कब्र का मकाम है वहां पर, आपका रोजा है वहां पर, आपका मरकद मुबारक है वहां पर। और अस्करियन यानी के दो मुअस्कर में रहने वाले इमाम अस्करियन, बहुत आपने जुमला आजकल सुना होगा अस्करियन, शहर सामर्रा के अंदर इन दो इमामों की कब्रें जिस रोजे के अंदर मौजूद हैं, दसवें इमाम और ग्यारहवें इमाम, ये सिर्फ और सिर्फ रोजा नहीं है बल्कि यही वो मकाम भी था कि जहां पर आपका घर था। लेकिन अजीजाने मोहतरम, मैं किस मुंह से उस मकाम को घर कहूं कि जो कैद से कम ना था, कैद से कम ना था अजीजो, ऐसा जुल्म, ऐसा जुल्म कि इमाम अलैहिस्सलाम घर में तो थे, देखिए, या इमाम अलैहिस्सलाम जब तक शहर सामर्रा में रहे, या घर में रहे हैं
या कैद खाने में रहे। और कैद कैसी कैद थी, मंजिल मसाइब पर आप जरूर समाध फरमाएंगे। लेकिन अजीजान मोहतरम, इमाम अलैहिस्सलाम जब कैद में होते थे तो कैद में मौला को कैद करने वाले दारोगा दरबान, दारोगा जिंदान, वो मुनकलिब हो जाते थे और कहते थे कि ऐ शख्स तूने किसे कैद किया हुआ है, तूने किसका दाना पानी रोका हुआ है, तू ये किस पर जुल्म कर रहा है, जो कायनात की रोशनी है, जो कायनात के लिए रोशनी बनाकर खुदा ने जिसे भेजा है उसे एक अंधेर जिंदान में बंद किया हुआ है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, सामर्रा वो जगह है जहां पर रोजा है आज, वही वो मकाम कि जहां पर आपका घर भी था लेकिन वो घर किसी जिंदान से कम नहीं था। कि दाया आ रही है, अगरचे इमाम के घर पर दस्तक होती है और कहा जाता है कि आपके घर में असला है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने घर को खोला लेकिन अनाउंस्ड, बगैर कहे कुछ दरबार से आई हुई दायाएं घर में दाखिल होती हैं और घर के अंदर मौजूद ज़ौजा इमाम अलैहिस्सलाम को एग्जामिन करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमाम के यहां कोई विलादत का सिलसिला अनकरीब हो। आप देख रहे हैं खौफ का मरहला। और फिर वो आयत कुरानी के जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें, इसके माना ये हुए कि इनकी कोशिशें, सारी की सारी कोशिशें मिलकर भी एक फूंक से ज्यादा की हैसियत नहीं रखेगी। कि अल्लाह का वादा तो पूरा होकर रहेगा, अल्लाह का नूर तो तमाम होकर रहेगा और जमाने का इमाम उसी घर। आज जो शहर सामर्रा के रोजे के अंदर आप सरदाब मुकद्दस की ज़ियारत के लिए जाते हैं, यही तो वो जगह है कि जो घर का सरदाब है, आप उस एरिया के जिस एरिया में ज्योग्राफिकल लोकेशन या जिस बेल्ट पर इमाम का रोजा है, इमाम अली का रोजा है, उस इलाके के एतबार से अगर आप देखें तो वहां पर घर इसी अंदाज से बनाए जाते हैं कि वहां पर एक बेसमेंट रखा जाता है जिसे सरदाब कहते हैं। सरदाब, सरदाब ठंडा पानी। क्यों सरदाब क्यों कहा जाता है? गर्मियों में कुछ ठंडा रहता है और ठंड में निस्बतन कुछ गर्म रहता है और वहां की जो मौसमी सूरत हाल है उसको देखते हुए सरदाब लाजमी बनाया जाता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। लेकिन अजीजान मोहतरम, जुल्म जो रवा रखा गया इसका तो बयान आगे आएगा ही आएगा, मगर इन तमाम मजालिम के बावजूद भी जो इमाम का कमाल था ना, उसे लोगों से छुपा ना सके, उसे लोगों के सामने से दबा ना सके, उस हक को छुपा ना सके कि जिसे परवरदिगार आलम ने दुनिया की हिदायत के लिए बनाकर भेजा था। अब अगर इमाम अलैहिस्सलाम किसी से कुछ कह न भी रहे हो तब भी अगर किसी की नजर, किसी की निगाह इमाम मासूम पर पड़ती थी तो वो हिदायत की नेमत हासिल करके वहां से चला जाता था। सिर्फ इमाम के करीब आना, इमाम के वजूद मुकद्दस के करीब आया और इमाम के पास से होकर गुजर गया, उसके दिल के अंदर नूर हिदायत जाग गया परवरदिगार आलम की जानिब से। अब चाहे कमसिनी का आलम हो या जवानी का आलम हो या अधेड़ उम्री का आलम हो या बुढ़ापे का आलम हो, भाई इमाम इमाम होता है। इसलिए कि इमाम दुनिया में आकर किसी काबिल बनकर इमाम नहीं बनता है, इमाम बनता है दुनिया में आकर, इमाम बनकर दुनिया में आता है, दुनिया में आकर इमाम नहीं बनता है। लेकिन अजीजाने मोहतरम, जब इमाम कमसिनी के आलम में ग्यारहवें इमाम, एक शख्स रावी है, रावी कहता है कि मैं एक मकाम से गुजर रहा था, मैंने देखा कि बच्चे सारे के सारे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनमें एक कमसिन है कि जो उनके खेल को देख रहा है और उन्हीं के खेल को, कि जो खेल खेल कर बच्चे हंस रहे हैं, एक अकेला कमसिन बच्चा उस खेल को देखकर ऐसे रो रहा है कि उसके रुखसारे पर आंसू हैं। और मैं देखकर फौरन लपका उस बच्चे की जानिब और मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, ये तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं कर रहे क्या खेल में? तो कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहा, बेटा बात क्या है, माजरा क्या है? कहा, ऐ शख्स, ऐ बंदे खुदा, हमें इस दुनिया में इन खिलौनों से खेलने के लिए तो खुदा ने नहीं भेजा था। याद रखिए, आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कमसिन है, लेकिन जुबान से जारी होने वाला इस बात की जाने जारी होने वाला इल्म, मारिफत से भरा हुआ कलाम इस बात की दलालत है कि यह हो ना हो इमाम वक्त है।
सवाल किया कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, किस इलाके में रहता है, तेरा घर कहाँ है। कहा मेरा नाम हसन इब्ने अली अल अस्करी है। ये मौला की मेराज है। तो बचपने का आलम है, बाबा 10-11वें इमाम की बाबा मौला इमाम नकी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में शोर गोगा हुआ घर में कि हसन कुएं में गिर गए। मौला नमाज पढ़ रहे हैं और देखिए ऐसा वाकया चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में भी आपने सुना होगा कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे, मगर यह वाकया 11वें इमाम अलैहिस्सलाम के लिए भी 10वें इमाम के दौर में पेश आया। बच्चा कुएं में गिर गया, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को खबर तक ना हुई। जब नमाज खत्म की तो उसके बाद जब शोर शराबा देखा, गिरिया उजारी की आवाजों को सुना तो सवाल करने लगे कि माजरा क्या है। कहा आपका बेटा कुएं में गिर गया है। कहा फिक्र ना करो, परेशान ना होना। तशरीफ ले गए मतानत और वकार और सकीनत के साथ, छोटे छोटे कदम लेकर कुएं के दहाने पर, और जाकर कुएं की जानिब देखा और कहा ऐ पानी मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे। और उसके बाद क्या देखा कि कुएं का पानी ऊपर आता जा रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है कि जब पानी की सतह बुलंद हो गई और कुएं के दहाने पर फर्जंद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पहुंच गए तो क्या देखा, पानी की मौजों के साथ मौला हसन खेल रहे हैं। और अजीजो हो ना हो शान इनकी ऐसी ही है, इसलिए कि हसन अस्करी क्यों ना पानी की मौजों के साथ खेले, जब उस हसन के बेटे की यह शान है कि जुहूर के बाद पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ेगा। दुरूद भेजिए सारे मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मौला की 28 साल की हयात तैयबा, 12 इमामों के सिलसिले में, 12 इमामों के सिलसिले में सबसे कम सिन इमाम का नाम क्या है, इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहि सलाम। और उनकी उम्र मुबारक शहादत के वक्त 25 साल। 25 साल की उम्र मुबारक है कि जब आपको जहर दिया गया और आप जाम शहादत नोश करते। 28 साल की उम्र मुबारक आपके पोते इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 28 साल की उम्र में आप जामे शहादत नोश करते हैं। लेकिन अजीजाने मोहतरम ये 28 साल इमाम अलैहिस्सलाम इस अंदाज से जो मौला की कैद है, मैं उसके कुछ वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। जो मौला ने अपना जिंदगी का हिस्सा कैद में गुजारा वो किसी आम कैद में नहीं गुजारा, अजीजों आम कैद में नहीं गुजारा। मौला रहते कहां हैं, मुअस्कर, एक मिलिट्री वाले एरिया में रहते कि जहां फौजी छावनी है। यहां पर दो किस्म की जेलें हैं, एक आम जेल है जिसको सिविल जेल कह सकते हैं और एक मिलिट्री जेल है। इमाम हसन अस्करी हो या इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, बल्कि खास तौर से वो जिंदान कि जो रोजाए सामर्रा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर, जरा सा सहरा की जाने बगर चले जाएं, तो वहां पर वो जिंदान आज भी उसके आसार मौजूद हैं कि इतना गहरा है कि 40 कदम गहराई में जाते हैं तो जिंदान में पहुंचते हैं। 40 स्टेप्स हैं, 40 कदम आप जब जमीन की गहराई की जानिब जाएं तो आप उस जिंदान में पहुंचते हैं। और कितना बड़ा उसका इहाता है, ना मौला ठीक से खड़े हो पाते हैं, ना मौला ठीक से बैठ पाते हैं, ना मौला कदम मुबारक फैला सकते हैं। और तवील सजदे और तवील रुकू करने वाले मेरा मौला। लेकिन अजीजों बड़े दारोगाओं को, ऐसे ऐसे अफराद को कि जो बिल्कुल उस इलाके के लोगों के लिए नए थे, अननोन थे, एनोनिमस थे, उन्हें न जाने दुनिया के किस किस कोने से बुलाया गया और कहा कि तूने उस शख्स को अजियत पहुंचानी है जो कैद में इमाम हसन अस्करी,
वो खंजर लेकर जाते थे, वो जहर लेकर जाते थे और जाकर कहते थे कि ऐ शख्स, ऐ जालिम, तूने हमें किसके पास भेजा है, किसे अजियत पहुंचाने के लिए भेजा है? अरे मैं करूं तो क्या करूं, मैं अजियत पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, मैं एक जर्ब भी मारने के लिए नाउज़ बिल्ला अपना हाथ उठाऊं तो कैसे उठाऊं? दिन में ये शख्स रोजे से होते हैं, रात में इबादत करते हैं, मुनाजात करते हैं और हम सबके लिए दुआ करते हैं, मैं इस शख्स को कैसी अजियत पहुंचाऊं? जो जो इमाम अलैहि सलाम के पास जाता है, इमाम को देखता है, इमाम की ज्यारत करता है, इमाम के करीब होता है, इमाम को नमाज पढ़ते हुए देखता है, वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, इमाम को सजदे में देखता है, वो भी सजदा करना शुरू कर देता है, इमाम को इबादतें करता हुआ देखता है, गिरिया करते हुए देखता है, तो इमाम की गिरिया को देखकर उस पर गिरिया तारी होता है, वो भी रोना शुरू हो जाता है। अलगर्ज के जो जो इमाम के पास जाता है वो हिदायत के नूर से मुनव्वर होकर वापस आता है। तो ये तो कैद में रखा इसलिए था कि लोगों के दरमियान रहकर हमारे लिए नुकसान का बायस न बने, ये तो और ज्यादा हमारे लिए मुश्किल का बायस हो गया। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ज़ालिमों ने ऐसा सोचा। फिर उन्होंने बिल आखिर यह तय किया कि जहर दिया जाए। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, आप सोचिए जरा, देखिए सखी सिर्फ वो नहीं होता कि आकर मांगने वाले को अता कर दिया और वो सखावत कहलाए। ये सखावत का वो घराना है कि जो सखावत की मेराज का घराना है। कैसे? जिन्होंने आकर मांगा उसे भी अता किया, जब इनके पास था तब भी अता किया, जब इनके पास अपने लिए नहीं था अपना निवाला, अपनी रोटियां उठाकर दे दी राह खुदा में, साइल को खाली नहीं लौटाया। आकर दोस्त मांगने वाला बना, दोस्त को दे दिया, किसी दुश्मन ने मांगा उसे भी खाली नहीं लौटाया। और सोचिए कि वो यही ऐसे दारोगा जिंदान के जिन्होंने आइम्मा ताहिरीन और खास तौर से 11वें इमाम अलैहि सलाम पर इतना जुल्म किया हो, एक मर्तबा मौला को उमूमन क्या गजा दी जाती है? रोटी के छोटे छोटे टुकड़े और थोड़ा सा पानी। और ये इसलिए दिया जाता है कि अगर, बड़ा सख्त जुमला कहने लगा हूं, माफ कर देंगे सादात, इतनी गिज़ा भी इसलिए देते थे कि अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हम जुल्म किस पर करेंगे। लेकिन अजीजों, जब मांगने वाला, अंदाज अजीब है, दुश्मन है, चाहने वाले ने आकर दारोगा को 5 अदद अनार के दिए, 5 अनार के फल दिए, कहा ये जाकर मेरे सैयद और मेरे मौला को पहुंचा दो कि मैं जानता हूं कि बड़ी कम गजा मिलती है और मौला पर ज़ईफ़ी, नातवानी और लागरी के आसार हैं। वो 5 तादाद, वो 5 अदद अनार के दारोगा लेकर चला और इमाम की खिदमत में पेश करता जाता है, लेकिन उसकी नजरें अनार पर हैं। हसरत से वो दारोगा भी अनार को बड़ी हसरत से देख रहा है, ऐसे कि उसका दिल चाह रहा हो कि मुझे कुछ अनार मिल जाए। इमाम ने देखा, इमाम ने महसूस कर लिया कि इसका दिल चाहता है कि यह भी इन अनारों में से कुछ खाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन अनारों को लिया, उस तश्त को लिया और उसके बाद एक अनार यह कहते हुए उसकी जाने पेश किया कि रख लो, खा लो, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल चाह रहा है कि कुछ अनार खाओ। मगर अजीजों, उस दरबान ने, उस दारोगा जिंदान ने क्या काम किया, उसने अनार ले लिया और रख लिया, उसे खाना शुरू नहीं किया। इमाम देख रहे हैं, काफी देर गुजर गई, उसने अनार से एक दाना न खाया, अनार को न छीला न खोला। सवाल किया, क्या वजह है कि तू खाता नहीं है? कहा, ए कैदी, क्या करूं, मैं जब देखता हूं मुझे मेरी औलाद याद आ जाती है, क्या अगर मैं खा लूंगा तो क्या होगा, कुछ बचाकर उनके लिए ले जाऊंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो बकिया 4 अनार थे वो भी दे दिए और कहा ले जाकर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ बैठकर खुशहाली के साथ इन अनारों को खाना। मेरा सलाम हो रसूल की इस बेटे पर कि जो बजाहिर घर को उजाड़ने की नीयत रखता है उसका भी घर बसने की दुआ कर रहे हैं, उसे इस तरह से पाल रहे हैं
कि जो उसकी ख्वाहिश है उसे दे रहे हैं। फकत इतना ही नहीं, बल्कि फकत इतना ही नहीं, एक मर्तबा एक दरबान दारोगा इसी अंदाज का था कि जब उस दारोगा का चीफ, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जब आया है एक मर्तबा तफ्तीश करने के लिए कि सारा मामला जो जिंदान का है वो ठीक चल रहा है या नहीं, तो इस जिंदान में भी आया और क्या देखा कि जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ जिस दारोगा की ड्यूटी लगी हुई है वो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा नरम रवैया इख्तियार किए हुए, क्योंकि वो मुनकलिब हो चुका है, क्योंकि वो हिदायत याफ्ता हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी जानिब मैं निगाहें उठाकर नहीं देख सकता, हाथ उठाना दूर की बात। तो एक मर्तबा कहा कि अगर तू इनके साथ वो न करे कि जिसका हुक्म है बादशाह की जानिब से, तो याद रखना मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा और जुल्म वहां पर करूंगा, वहां तो नहीं आएगा ना रोकने। और सोचिए कि क्या हुआ जब वो दूसरा दारोगा इन्हें इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गया है, और जब एक अलग से कमरे के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम को बंद कर दिया, उस कमरे को ताला लगा दिया, जब अपने घर में दाखिल हुआ है, अपनी अहले खाना से बात की है, तो अहले खाना ने पूछा है कि ये मेहमान कौन है कि जो हमारे घर में आए हैं। कहा कि इनका नाम हसन इब्ने अली है। कहा किस खानवादे से, किस कबीले से, किस अशीरे से ताल्लुक है, वहां पर नाम बता दीजिए, उसके बाद अगर आपने कबीला बता दिया तो वो सारे सियाक व सबाक से आगाह हो जाया करते हैं, ये वहां का कल्चर है। जब सवाल करने पर बताया ना कि ये रसूल अकरम के घराने के चश्मो चराग हैं, तो कहा अल्लाहु अकबर, ये हस्ती मैंने सुन रखा है बड़ी इल्मी हस्ती है, कोशिश कीजिएगा इन्हें अजियत ना पहुंचाइएगा। वो लाया है अजियत पहुंचाने के लिए, और जौजा कह रही है कोशिश कीजिएगा इन्हें अजियत ना पहुंचाइएगा, इन पर हाथ ना उठाइएगा। और वो कहता है कि तू होती कौन है मुझे कहने वाला कि मैं किस पर जुल्म करूं और ना करूं, मैं साहिब इख्तदार हूं। ये कहकर वहां से उठकर इस अंदाज से झिड़क कर चला गया कि कल का दिन आने वाला है, मेरे पास पिंजरा है कि जिस पिंजरे में भूखे शेर हैं जिन्होंने बहुत सारे दिनों से खाना गजा नहीं खाई है, मैं हसन इब्ने अली को उस पिंजरे के अंदर उन शेरों के हवाले कर दूंगा। बस अजीजों ये सुनना था। वो दिन आया और ग्यारहवें इमाम अलैहिस्सलाम को वो दारोगा का जिंदान लेकर चला और उस पिंजरे के हवाले किया, उन शेरों के दरमियान इमाम को छोड़ा और वहां से चला गया। मगर जब कुछ देर गुजरी और वहां पर देखने के लिए आया कि माजरा क्या है कि कोई आवाज नहीं आ रही, बहुत खामोशी है, अजीब रिक्कत आमेज मंजर को देखा। क्या देखा? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और सारे के सारे शेर अपनी पेशानियों को इमाम के कदम मुबारक पर रखकर कदम को बोसे दिए जा रहे हैं। कितने हैफ की बात है, इंसानों ने ना पहचाना, हैवानों ने जिन्हें पहचान लिया कि ये हमारा इमाम है, इंसान ने अशरफुल मखलूकात होकर भी उन्हें ना पहचाना और उन पर वो जुल्म रवा रखा, वो जुल्म रवा रखा। हाँ अजीजो, बस मैं क्या कहूं, आखिरी मजलिस कहते हुए मेरा दिल लरसता है, क्योंकि याद रखिएगा कभी आखिरी मजलिस आ नहीं सकती। एक एतबार से अगर आखिरी मजलिस कहिएगा तो शायद उसे कहिएगा मैदान हशर होगा, सैयदा की सवारी आएगी, सैयदा कहेंगी ए खुदा मेरी उम्मत की बख्शिश, खुदा कहेगा सैयदा वास्ते के लिए सामान शफात के लिए क्या लाई हो, सैयदा अपनी अबा के दामन से दो ही चीजें निकालेंगी, या अब्बास के कटे बाजू या असगर का खून आलूदा कुर्ता। आजीजो, आपने सुना इमाम अलैहिस्सलाम कुरान से कितना करीब हैं, इनके सर और तन में तो जुदाई हो सकती है, कुरान से जुदाई नहीं हो सकती। यही तो वजह थी कि काटने वाले ने सर को तो तन से जुदा कर दिया,
तिलावत कुरान हुसैन के लबों पर नोके नेजा पर भी जारी रही। मगर अजीजो ये इमाम मेरा वो मौला है कि जिन पर वो मजालिम हुए हैं कि जो इनसे पहले किसी इमाम पर नहीं हुए। कैसा जुल्म, जुल्म सुनिएगा महसूस कीजिएगा और आंसू बहाइएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज बीबी अपने 11वें फर्जंद का पुरसा लेने आई है। अरे आज तो मेरे और आपके जमाने का इमाम अपने बाबा का पुरसा लेने के लिए आ गया। जमाने के इमाम को पुरसा दोगे ना अजीजो? जहरा के लाल को कब जहरा को पुरसा दोगे ना अजीजो? दरबार में बुलाया गया, जालिम पर शराब का नशा तारी है और एक मरतबा ये कहता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ये शराब का जाम आपके लिए है, आइए मेरे साथ बैठकर ये शराब का जाम, इस जाम से कुछ पीजिए। हद ये है कि मौला ने कहा ऐ शख्स, ऐ जालिम, तूने इंसाफ न किया। अरे ये तो वो शय है कि जिनसे हमारे आबा अजदाद ऐसे पाक हैं कि जो इससे बहुत दूर हैं कभी इससे करीब ना आए। तो कहा एक काम करो, आज मेरा गवैया नहीं आया है, मुझे कोई गाना गा कर याद करो अजीजो, इसलिए कि यकीन यकीन है मुझे हो ना हो 11वें इमाम को बाजारे कूफा और शाम याद आ गया होगा, दरबारे कूफा और शाम के मनाजिर निगाहों में दौड़ गए होंगे कि जब जालिम शराबियों का मजमा था, रसूल जादिया पे मकनाओ चादर वाह गुरबतो वाह हसनो वाह हुसैनो। हाजीदो जहर भी ऐसे दिया गया कि मौला का जिगर कटने लगा, मौला का जिगर कट रहा था, मौला प्यास की शिद्दत महसूस करते थे। एक वो वक्त आया कि जब मौला ने प्यास की शिद्दत को महसूस किया है ना, मौला ने सदा दी है अल अताश, हाय प्यास मुझे मारे डालती है। रिवायत के जुमले पढ़ रहा हूं, मक्तल में लिखे हुए हैं। ये बात सुनना थी, मौला का सहाबी मौजूद था, मौला ने बयान कर दिया था कि कुछ देर बाद मेरा फर्जंद आएगा, 5 साल मेरा बेटा आने वाला है, जब वो आए तो उसे अंदर दाखिले की इजाजत दे देना। यहां लतश की सदा थी, 5 साल कम सिन मेरे जमाने का इमाम हसन का दिलबर अपने बाबा के सराने पहुंचा, पानी का कूजा मौला हसन मुज्तबा की खिदमत में पेश किया। वो वक्त भी था जमाने के इमाम के आने से पहले भी मौला के सहाबी ने पानी का कूजा पेश किया था, मगर जहर की शिद्दत इस अंदाज से मौला के जिस्म नाजनी में फैल चुकी थी कि मौला का हाथ कांप रहा था। कांपते हाथों से मौला ने उस कूजे को अपने लबों के करीब तो किया मगर पी ना पाए थे। यहां तक के बेटा आया, अपने बाबा की अलतश की सदा को सुना, कूजे को अपने हाथों से बाबा के दहने मुबारक के करीब ले गया, बाबा को पानी से सैराब कराया। ये मैं अपने लाखों सलाम पेश करूं अपने जमाने के इमाम के पुदर पिदरे बुजुर्गवार इमाम हसनी अस्करी की खिदमत में, मौला आपकी कुर्बानी बहुत अजीम है, आपकी मुसीबत बहुत बड़ी है, मगर हाथों को जोड़कर यही जुमला, मौला ये आपका मुकद्दर था, अल्लाह तश का पानी मिल गया। अरे वो सकीना का मुकद्दर था, अरे पानी का मुतालबा, शिमर का तमाचा कभी ताजियाना है, कभी गोशवारा छीना जा रहा है। वाह गुरबतो वाह मुसीबता, मेरा मौला जमाने के इमाम का बाबा पानी को पीने के बाद एक मर्तबा पांव फैला लिए, रूह कफ़स-ए-उंसुरी से परवाज कर गई,
दुनिया हसन अस्करी से खाली हो गई, जमाने का इमाम यतीम हो गया, इमाम जमाना के सर से बाप का साया उठ गया। मगर अजीजो, जब इमाम यतीम हुआ है ना, इमाम को रोने की इजाजत थी, किसी ने रोने पर पाबंदी न लगाई थी। मगर जब भी हुसैन की 4 साला बच्ची बाबा कहकर रोया करती थी, या हुसैन की बेटी सकीना है या रसूल की दुख्तर फातिमा है, अरे न फकत ये कि रोने न दिया गया, बल्कि घर पर आग लेकर आ गए, दरवाजे को जलाया, पसलियों को तोड़ा, दुर्रा मारा, ताजियाना मारा, मोहसिन शहीद किया। आजीजो, कल से फर्श अजा, अजीजो 2 महीना 8 दिन बड़ी जहमत की आपने, रोज आ जाते थे फर्श अजा पर अजीजो, रोज उस दुखियारी मां को पुरसा देने आ जाते थे, खाने का पता नहीं होता था, आराम की फिक्र नहीं होती थी, औलाद की परवाह नहीं होती थी, बस ये फिक्र होती थी, अरे एक दुखियारी मां आकर फर्श पर बैठी होगी, सब छोड़ो फर्श अज़ा पर चलो। मगर अजीजो, कल से आपकी जहमतें तमाम, लेकिन यहां सैयदा बीबी आकर अपने बच्चे पर रोना रोती रहेगी। हम उसी दिन फर्श अज़ा उठाएंगे कि जिस दिन फातिमा जहरा फर्श अज़ा उठा। आजीजो, अलविदाई पुरसा अब चूंके रस्मन कहा जाने लगा है तो ठीक है इसी उन्वान से, मगर कल जब हमारी बज़्म खुशी में तब्दील हो जाएगी, और ये हमारी मोहब्बतों का तकाजा भी यही है, तकाजा भी यही है, ये और बात है, कल से खुशी की महफिलों का आगाज यकीनन हो जाएगा, और खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम वो कौम हैं कि अहले बैत के गम में गमगीन होते हैं, उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। ये और बात है कि इस गम को मनाकर भी जो खुशी मिलती है उसका दुनिया को अंदाजा नहीं है। मगर अजीजो, आओ पुरसा पेश करो जमाने के इमाम को भी और उनकी दादी सैयदा को भी, हाथों को जोड़ो, अपना हाथ सीने पर रखो और कहो, ए सैयदाए आलमियान, हसन अस्करी का पुरसा कबूल करो, ए सैयदाए आलमियान, अली उन्नती का पुरसा कबूल करो, ए सैयदाए आलमियान, मोहम्मद तकी का पुरसा कबूल करो, ए सैयद आलमियान, अली रिजा का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा मूसा काजिम का पुरसा कबूल करो, ए बीबी जाफर सादिक का पुरसा कबूल करो, ए बीबी मोहम्मद बाकिर का पुरसा कबूल करो, ए बीबी बेड़ियों वाले हथकड़ियों वाले सैयद सज्जाद, सबसे बड़े अदादारे हुसैन का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा अपने लाल हुसैन का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा हसन का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा अपने शोहरे नामदार अली के जख्मी सर का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा अपने बाबा का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा भरे घर का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा अब्बास के कटे बाजुओं का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा ओनो मोहम्मद का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा कासिम की पामाल लाश का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा अली अकबर के जख्मी कलेजे का पुरसा कबूल करो, ए सैयदा ओनो मोहम्मद का पुरसा, ए सैयदा 6 महीने के अली असगर का पुरसा, ए सैयदा हुसैन मजलूम का पुरसा, ए सैयदा जैनब की चादर का पुरसा, ए सैयदा
इस सकीना को मारे जाने वाले तमाचों का पुरसा, ताजियानों का पुरसा, छिने गोशवारों का पुरसा, जख्मी कानों का पुरसा, उन सिसकियों का पुरसा, ए सैयदा हमसे पुरसे। الا ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد اي منقلب ينقلبون بار الہ ترا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عنایت کی, اس عبادت کو ہم سب سے قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے, ان صداؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما, گریا کرنے والوں کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اے خدا ان آنسوؤں کو بی بی کے زخمی دل کے لیے مرہم کا سامان قرار فرما. اے خدا ہمیں اتنی حیات عطا کر اور ایسی حیات عطا کر کے جیسی تو دیکھنا چاہتا ہے, اور ہمیں اتنی حیات عطا کر کے دوبارہ سے فرش ادا پر آ کر اپنے دلوں کو اپنی روحوں کو منور کر سکیں اور علم کو اس فرش سے سمیٹ سکیں. پروردگار عالم اس فرش ادا پر جو جو آئے, جن جن نے اپنی اپنی خدمات کو انجام دیا, تمام کی خدمتوں کو قبول فرما. ہم بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر عزاداری کر رہے ہوتے ہیں, مجلس سن رہے ہوتے ہیں, اس بزم میں بیٹھ کر نور کی دولت کو, نعمت کو بٹور رہے ہوتے ہیں, جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنی جھولی میں, اور پورا ایک گروہ ہے کہ جو باہر اپنی خدمتوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے. مسلسل جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا اس دن سے لے کر آج تک, میں یہی آپ سے 10 برس تک گزارش کروں گا, ان تمام کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جن جن افراد نے دام درم قدم سخن اس بزم عزا کو سجانے کے لیے جو اپنا حصہ ڈالا ہے, انہیں اجر عظیم عنایت فرما, ان کی مشکلات کو دور فرما, ان کے خلوص میں اور اضافہ فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے پروردگار عالم ہماری اس بزم کو قبول کر, جو بہترین حصہ یہاں پر آنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو عنایت فرما. خصوصیت کے ساتھ حکومت شارجہ اور جو جو افراد ان سے منسلک ہیں کہ جن کی اجازت سے ہم یہاں پر فرش عزا سجا سکتے ہیں, خاص طور سے ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ جناب سیدہ انہیں اجر عظیم عنایت فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما, جو بیمار حال ہیں سب کو شفا یابی عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. بہادر علی مہر علی باوا کی فیملی کے تمام مرحومین, محمد جعفر غلام حسن شریف کے تمام مرحومین, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعائے صحت مومنین کے لیے ہے, اور 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت, آیہ مبارکہ کی تلاوت کی التماس کی جاتی ہے. سارے مل کر آیہ من یجیب کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, اما یجیب المضطر اذا دعاہ, اما یجیب المضطر
مدثر اذا دعاه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين ما تمه حسين.